नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में 3 महीने में खाली हो गई 2500 से अधिक पद। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप हमारे चैनल के द्वारा आसानी से पाते रहें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 3 महीनों में यहाँ खाली पदों की संख्या में 2547 बढ़ोतरी हो गई। शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही जारी माध्यमिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों में खाली पदों की संख्या 67722 बताई गई है। इससे पहले अगस्त में जारी इस रिपोर्ट में खाली पदों की संख्या 65175 दर्शाई गई थी। विभाग ने सितंबर और अक्टूबर में यह रिपोर्ट जारी नहीं की। इस प्रकार लगातार खाली पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने के चलते अब विभाग पर नई भर्तियों का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। बजट में शिक्षा विभाग में 21,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की गई है। पिछले दिनों शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 3 से 4 महीने में रीट के आयोजन की घोषणा की है। इसके बाद बेरोजगारों में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद जगी है। घोषणा के बाद भास्कर ने माध्यमिक शिक्षा में खाली पदों की स्थिति देखी तो सामने आया कि विभाग में 298,607 पद स्वीकृत हैं। इनमें से वर्तमान में 67,722 खाली पड़े हैं। इनमें हर श्रेणी के पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग पिछले कुछ महीने में अपनी मासिक उपलब्धियों की रिपोर्ट जारी करता रहा है। अगस्त के बाद विभाग ने नवंबर में यह रिपोर्ट जारी की। हालांकि विभाग प्रारंभिक शिक्षा में इस प्रकार की रिपोर्ट जारी नहीं करता है। अगर प्रारंभिक शिक्षा के खाली पदों के आंकड़े में भी इसमें शामिल किए जाएँ तो शिक्षा विभाग में खाली पदों की संख्या 1,00,000 से पार जा सकती है। विभाग हर महीने खाली पदों की श्रेणीवार डिटेल जारी करता है। यह अच्छी बात है। इस तरह डिटेल प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जारी की जाए तो ना केवल शिक्षा विभाग के कामों में पारदर्शिता आएगी बल्कि बेरोजगारों को भी खाली पदों की स्थिति जानकारी मिलेगी। विभाग में पीटीआई के खाली पदों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए प्रकृति पीटीआई भर्ती में जल्द नियुक्ति दें। साथ ही रीट का आयोजन करके अगले साल शिक्षा विभाग में नई भर्ती प्रक्रिया की शुरू की जाए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और विद्यार्थियों को शिक्षक बनाया जा सके। अब देख सकते हैं कुल खाली पदों की संख्या 1 अगस्त 2019 तक और 1 नवंबर 2019 तक किसके कितने पद खाली। प्रिंसिपल के 591 1 अगस्त तक और 1 नवंबर तक 651, एडीओ के 2318, हेडमास्टर के 1899 और 1 नवंबर तक 1118, व्याख्याता 95,902, 10,388, पीटीआई ग्रेड प्रथम, ग्रेड द्वितीय, ग्रेड तृतीय, वरिष्ठ अध्यापक, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल फर्स्ट, थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल टू, सीनियर लेवल असिस्टेंट तृतीय, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, लैब बॉय और पियोन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने पद किसके खाली हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आसानी से पाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।